हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इस चैनल पर आपको हमेशा से वीडियोस मिलती गई है इंटरनेट के ऊपर और आगे भी कुछ वीडियो जो है वो इंटरनेट के ऊपर ही होगी। तो गाइस, यहां पे जो आज मैं आपको वीडियो बताने वाला हूं, तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाऊँगा जिस वीडियो पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। और ये वीडियो जो है गाइज, ये हर एक बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपको मेरे चैनल पे आना है। चैनल पे आके यहाँ पे आप जैसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो सर्च करोगे तो जो सबसे पहली वीडियो होगी यही वो वाली वीडियो है जिससे बहुत सारे लोगों की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो गाइज़, ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपकी इस वाली वीडियो को देख कर जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं होती है तो गाइज़, इस वीडियो में आगे जो हम मेथड यूज करने वाले हैं उनसे भी आपकी इंटरनेट की स्पीड या फिर आपकी इंटरनेट प्रॉब्लम जो कुछ भी है वो सब कुछ सोल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को गाइस मैं काफ़ी ध्यान से बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मैंने जो मेथड यूज किए हैं अब तक मैंने ये वाले मेथड किसी भी वीडियो में नहीं बताए हैं। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही वीडियो को लाइक कर लेना अगर आपका इंटरनेट से रिलेटेड सॉल्यूशन हो जाए। अगर नहीं होता है तो गाइज आप मुझे या तो कमेंट कर सकते हो या फिर इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो, वो भी किसी भी टाइम। गाइज आपको जब भी सूटेबल हो तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हो इस वाले नंबर पे। मैं आपकी जो कॉल है वो भी अटेंड करूँगा और आपकी जो कमेंट होगी उसका भी रिप्लाई दूंगा। तो गाइज अब चलते हैं अपने फर्स्ट वाले मेथड की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा में। यहाँ पे जाने के बाद गाइज आपको जो सबसे पहले वाला काम करना है अपने डिवाइस के अंदर, तो ये होगा आपको जाना है उस वाले सिम में जिसमें आपका इंटरनेट एक्टिव है। तो उस वाले सिम को ओपन कर लीजिएगा। करने के बाद आपको वो जाना है सबसे नीचे एक्सेस पॉइंट नेम पे। तो यहाँ पे गाइज हम कोई नया एक्सेस पॉइंट नेम नहीं बनाएंगे, ये मैं पहले ही आपको बता दूँ। आपको बस यहाँ पर कुछ अलग ट्रिक बताने वाला हूँ, वो आपको फॉलो करनी है। तो आपको आना है जैसे ये आई वाला बटन दिख रहा है 4G जियो 4G के सामने, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे डिलीट APN का ऑप्शन, तो आपको इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद होगा क्या गाइज, आपका जो इंटरनेट है वो चला जाएगा। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे दो डॉट जो दिखाई दे रहे हैं प्लस की साइड में या फिर 3 डॉट हो गए या फिर आपको इसमें मोर का ऑप्शन दिखाई देगा तो उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर रीसेट एक्सेस पॉइंट नेम करना है। तो जैसे ही आप इसको रीसेट करोगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट APN होगा जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको गाइस इस APN में एक चीज़ चेक करनी है, वो मैं आपको बता दूं। तो आपको इस वाले APN को ओपन करना है, आई के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर जो APN प्रोटोकॉल होता है इस पर आपको क्लिक करना है और चेक करना है कि आपका जो क्लिक है वो IPv4/IPv6 पे ही क्लिक होना चाहिए। अगर आपका पहले दो पे किसी पे भी क्लिक है तो वहाँ से हटाने के बाद इसको आपको लास्ट वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यही काम आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी करना है, आपको यहाँ पे भी IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है। अगर पहले से क्लिक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कर लीजिएगा। इसके बाद इस APN सेटिंग को आपको सेव करना है। सेव करने के बाद लोग बाग ये जितने भी होता है वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे इसको सेव करने के बाद अपना इंटरनेट ऑन ऑफ करते हैं और इंटरनेट को चलाने लगते हैं। तो गाइस आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये काम करने के बाद अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करना है या फिर स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। इसके बाद ही आपको अपना इंटरनेट चलाना है जो कि काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर आपका इससे काम बन जाए तो ठीक है गाइस, नहीं तो आपको मैं एक दूसरा मेथड बताऊंगा वो भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। दूसरे मेथड में गाइज आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सेटिंग में ही आना है अगेन और यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा में ही आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको आना है नीचे। तो नीचे जैसे आप आओगे आपको यहाँ पर मोबाइल डाटा का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका जो इंटरनेट है वो कौन सी डिवाइस कौन से सिम में एक्टिव है। अगर सिम फर्स्ट में है तो सिम फर्स्ट पर क्लिक करना है, सिम टू में है तो सिम टू में क्लिक करना है। बहुत बार क्या होता है गाइज, अगर आप डुअल सिम यूज करते हो तो आपने जैसे मान लीजिएगा दो सिम है आपके पास और सिम टू में आपका इंटरनेट है और आपने यहाँ पे क्लिक कर रखा है सिम फर्स्ट पे, तो आपको यहाँ पे ऊपर जो इंटरनेट का सिंबल होता है वो तो दिखाई देगा बट आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। वो इस वजह से नहीं चलेगा क्योंकि आपने जिस सिम में आप इंटरनेट चला गए हो आपने उसमें रिचार्ज नहीं करवाया है, तो कैसे चलेगा। तो आप यहाँ पे
श्योर कीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है उसी वाले सिम पे क्लिक है या नहीं। तो यहाँ पे ये आपको कंफर्म करना है, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया गाइज। और सेकंड मेथड होने के बाद अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड के ऊपर। थर्ड मेथड गाइज हमारा होगा, जैसे सिम फर्स्ट मेरा इंटरनेट एक्टिव है तो मैं इसी में आपको दिखाऊंगा सब कुछ। तो थर्ड मेथड में आपको करना क्या है, आपको सबसे नीचे आना है, कैरियर नेटवर्क का एक आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जैसे सर्चिंग देखने के लिए मिलेगी। बहुत बार क्या होता है गाइज, आप अपना जो इंटरनेट है या फिर नेटवर्क है उसको मैनुअल पर सिलेक्ट करते हो। मान लीजिएगा जियो के नाम से आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो आप उनमें से एक चूज़ कर लेते हो तो उसी पे आपका इंटरनेट चलता है। और आप जैसे इधर उधर चले जाते हो तो उस वाले कनेक्शन से आपको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा गाइस कभी नहीं करना है, आपको हमेशा ऑटो पे रखना है। ये अभी यहाँ पे सर्चिंग चल रही है, जैसे ही ऑटो पे ये सर्च हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कभी भी मैनुअल क्लिक नहीं करना है। आपको ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो सेलेक्ट, तो आपको हमेशा ये ऑटो सेलेक्ट ही रहने देना है। इससे बेनिफिट ये होगा, आप कहीं भी जाते हो नेटवर्क का अगर आपका ऊपर नीचे होता है तो आपको इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो गाइस ये हमारा थर्ड मेथड था, अब हम चलते हैं फोर्थ मेथड की तरफ, तो वो मैं आपको बताने वाला। तो गाइज हमारा जो फोर्थ मेथड है उसमें भी आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा में ही जाना पड़ेगा उसके लिए भी। और यहाँ पे आप सिम पे क्लिक कर सकते हो जो जिसमें भी आपका इंटरनेट एक्टिव है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क सेटिंग में एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, डाटा रोमिंग। तो डाटा रोमिंग जो है गाइज ये आपका हमेशा ऑन होना चाहिए। ऑन होने का बेनिफिट ये होता है, अगर आप इधर उधर कहीं भी ट्रैवल करते हो तो उसमें क्या होता है, आप जब भी स्टेट चेंज करते हो किसी भी अदर स्टेट में जाते हो तो आपका इंटरनेट जो है वो एक्सेस मांगता है दूसरे स्टेट का। तो उससे बेटर है कि आपका अगर जो इंटरनेट है वो बंद हो जाता है तो वो एक्सेस के दौरान ही होता है। अगर आपको दूसरे स्टेट का एक्सेस चाहिए तो आपको जो है डाटा रोमिंग ऑन करना होगा। ऑन करने का बेनिफिट ये होता है, अगर आप कभी भी किसी भी अदर स्टेट में जाओगे या फिर इधर उधर कहीं भी जाते हो तो आपका जो इंटरनेट है उसकी स्पीड ऊपर नीचे तो हो सकती है, बट आपका इंटरनेट कभी भी बंद नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया फोर्थ मेथड। तो फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ के लिए मैं गाइज आपको बता दूँ तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यूज इंटरनेट ड्यूरिंग कॉल ऑन द नॉट डिफॉल्ट कार्ड फॉर मोबाइल डाटा। तो इसका मतलब क्या है गाइज, अगर आप मतलब डुअल सिम जैसे यूज करते हो तो सिम फर्स्ट में मेरा फिलहाल इंटरनेट एक्टिव है और ऐसे में सिम टू पे कॉल आ जाए तो होता क्या है, जो इंटरनेट होता है वो बंद हो जाता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे बंद रखते हो तो आपका जो इंटरनेट है वो बंद हो जाएगा कॉल के दौरान। अगर आप इसको ऑन रखते हो तो कॉल आने पर भी आपका इंटरनेट बंद नहीं होगा। तो ये हो गया गाइज हमारा फिफ्थ। और अब चलते हैं लास्ट की तरफ गाइज। तो जो लास्ट होगा उसके लिए आपको जाना होगा सिम में, और यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको न्यू APN बिल्कुल भी कभी भी नहीं बनाना है, आपको आई पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहला आएगा सर्वर, तो आपको सर्वर में यहाँ पे लिखना है www.google.com। गूगल का सर्वर देना है गाइज आपको यहाँ पे, तो इसको ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद जो कि मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था, आपको APN प्रोटोकॉल और APN रोमिंग प्रोटोकॉल में IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। और लास्ट हमारा बियर जो होता है इसको अनस्पेसिफाइड से हटा के LTE पे क्लिक करना है। जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं सब पे क्लिक करना है, सब पे क्लिक कर लीजिएगा। ये वाली जो लास्ट वाली ट्रिक है गाइज, ये आपको जब ही करनी है जब आपका पहले वाली किसी से भी मेथड से इंटरनेट नहीं चलता है, उसी के बाद ये वाली ट्रिक यूज करनी है। तो इसको सेव करना है, सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका एक्टिव हो जाएगा। और हर एक मेथड जितना भी मैंने बताया हर एक के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद ही आपका जो सेटिंग होती है वो इंटरनेट से अटैच होती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने के चांस होते हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय।